हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस. गुड इवनिंग सबको. वेरी वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल माय चैंपियंस. सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग. आज हम लोग वॉइस करेंगे, ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस. एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना. गुड इवनिंग सारे चैंपियंस को. वेरी वेरी गुड इवनिंग. चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट किया जाए. ऑडियो वीडियो होपफुली सब चीज़ ठीक ठाक ही होगा, पूछने की ज़रूरत नहीं है. एक्टिव और पैसिव बनाते सभी. कभी कभी सेंटेंस एक्टिव में आ जाता है, आपको पैसिव बनाना है. कभी कभी पैसिव आ जाता है, आपको उसका एक्टिव बनाना है. और एक्टिव पैसिव बनाते समय बस दो ही चीज़ का ध्यान देना है कि एक्टिव पैसिव में, एक्टिव पैसिव बनाते समय ना, नो चेंज ऑफ टेंस. आप लोग एक्टिव पैसिव को डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कन्फ्यूज कर लेते हो. आप लोग वॉइस को नरेशन से कन्फ्यूज करके और आप लोग टेंस बदल देते हो. नरेशन में रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में हो तो टेंस बदलता है. एक्टिव पैसिव में दो चीज़ ध्यान रखना है. एक तो टेंस नहीं बदलना है, ठीक है. एक्टिव पैसिव में नो चेंज ऑफ टेंस, किसी हाल में वाक्य का टेंस नहीं बदलना है. और एक्टिव पैसिव बनाते समय थोड़ा सा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है. एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, और पैसिव और जो ऑब्जेक्ट होता है वो जाके सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है. तो चलो आ जाओ. पहला क्वेश्चन है, 2022 का है ये. फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है मंडे से, 9th अक्टूबर, दैट इज मंडे. कहाँ रह रहे हो? फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है. चलो बता दो. हाँ, अजीत डज नॉट हेल्प विथ माई होमवर्क. अजीत मेरे को होमवर्क में हेल्प नहीं करता है, ठीक है. अजीत मेरे को होमवर्क में हेल्प नहीं करता है. फटाफट ऑप्शन छांट लीजिए. एक्टिव से पैसिव बनाते समय इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना, बट यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लगा है. यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लगा है. ये दो तो वैसे ही हट गया, ठीक है. और सेंटेंस में आई एम, और देखो भाई तो ईजी है. आई एम नॉट हेल्प्ड है ना, और यहाँ पे तो आई एम हेल्प्ड कर दिया है. ईजी है. ये तो बड़ा स्कोरिंग है. स्टेनो वाले बच्चे ना जो जहाँ बैठे हुए हैं वादा करेंगे, मैम आप टेंशन मत लीजिए. एक्टिव पैसिव में एकदम 10 में 10, एक भी रॉन्ग नहीं होगा. नरेशन में भी 10 में 10, एक भी रॉन्ग नहीं होगा. बिकॉज ऑफ हिज केयरिंग नेचर ही इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल. उसके केयरिंग नेचर की वजह से उसको सबके द्वारा पसंद किया जाता है. सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना. हम पहला वाला सेंटेंस तो एक्टिव था, हमने पैसिव बनाया. ये सेंटेंस पैसिव है, ठीक है. ये सेंटेंस पैसिव है. इज एम आर के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव है. अब हमें इसका एक्टिव चुनना है, पर दिया भी तो है एक्टिव वाला. एक्टिव चुनना है तो बता दो क्या होगा. ही इज अप्रिशिएटेड. एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना है. ही इज अप्रिशिएटेड कौन सा टेंस है? इज लगाया है, इसको पास मत सोचना. ये सिंपल प्रेजेंट है. अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बदल सकते, आप भी सिंपल प्रेजेंट रखोगे, ठीक है. अब देखो इसको क्या किया है, इसको फ्यूचर में बदल दिया है, गलत. इसको पास्ट में बदल दिया है, गलत. और एवरीवन दिया है, यहाँ तो ऑल दिया है, यहाँ ऑल दिया है और यहाँ पे एवरीवन कर दिया. और ऐसे भी एवरीवन सिंगुलर होता है, एवरीवन के साथ अप्रिशिएट्स होना चाहिए. ये भी हो गया गलत. आंसर इज फर्स्ट. अब ऐसा नहीं है कि मैं सीधा आंसर टिक कर दूंगी, मुझे बताना होगा बाकी का तीनों गलत क्यों है. द पुअर कैट्स. एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है. पुअर कैट हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है. ये वर्ब है और ये वाला प्रेपोजिशन के बाद जो आया है ये ऑब्जेक्ट है. और सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब सेंटेंस पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है. और दूसरी बात, सेंटेंस का टेंस, सबसे पहले एक्टिव पैसिव बनाते समय टेंस देख लीजिए. टेंस, टेंस इज पास्ट, सिंपल पास्ट है, पास्ट टेंस है. तो चलो देखो बाकी सारा भी तो हाँ. और ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये तो वैसे ही हट गया. और दूसरा, डू डज डिड, अपने आप डिड अपने आप में पास्ट टेंस है, तो उसके साथ फिर से पास्ट नहीं आता, V1 आएगा. ये भी हट गया, ये भी हट गया. और देख लो क्या होगा. द किड्स ब्रूटली चेज द पुअर कैट. द किड्स, और टेंस बदल दिया है ना, ये सिंपल पास्ट है, बट यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया है. अब पास्ट सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट ही रखना है, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बदलो. आंसर इज दिस. ये 2022 का है, फ्रेश पिछले साल का ही. इजी आता है, टेंशन की कोई बात नहीं. बाय होम वॉज हिंदी टॉट टू यू.
आपको, हाँ, किसके द्वारा हिंदी पढ़ाया गया, किसके द्वारा आपको हिंदी पढ़ाया गया, बाय होम? हर्षवर्ण को पता चल गया कि इज एम आर के बाद अगर वी थ्री आ गया तो सेंटेंस गोज पैसिव. दिस सेंटेंस इज इन पैसिव और द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. ओके, द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस और सेंटेंस पैसिव जा रहा है. ठीक है, सेंटेंस पैसिव जा रहा है. अब देखो, इज एम आर वॉज के बाद वी थ्री भी आ गया तो ये भी पैसिव हो गया. इज एम आर के बाद वी थ्री आ गया, ये भी पैसिव हो गया. हमारा जो क्वेश्चन है वो पैसिव है. इसका मतलब है कि हमें एक्टिव छूटना है, लेकिन ये दोनों तो पैसिव है तो ये तो वैसे ही हट गया. और टेंस देख लो, पास्ट टेंस है और ये तो प्रेजेंट टेंस है. आंसर ये हो गया. हु टॉट यू हिंदी, बाय हुम वर यू टॉट हिंदी? फटाफट आंसर देते जाइए. आप आंसर दो, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी. दे विल सेंड मधु अवे टू अ बोर्डिंग स्कूल. वो मधु को बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे. दे विल सेंड, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? देखो, दे हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, विल सेंड वर्ब है और मधु ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो मधु से ही स्टार्ट होगा. और सेंटेंस का टेंस देख लीजिए, फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, बट ये फ्यूचर परफेक्ट है तो ये तो हट गया. ठीक है, ये भी हट गया, मतलब ये हट गया. और दूसरा देख लो कि ये सेंटेंस एक्टिव है ना, इसका पैसिव बनाना है और पैसिव बनाते समय तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए. सेंड का थर्ड फॉर्म तो सेंट होता है, ये भी हट गया. अब देख लीजिए, शैल लगा है, मधु शैल बी सेंट अवे टू अ बोर्डिंग स्कूल और मधु विल. मधु थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ नहीं करेंगे. और यहाँ भी वैसे भी विल है, विल यूज़ आ ही रहा था तो हम शैल यूज़ कर देते. जहाँ किसी को कुछ भी दिक्कत है कॉमेंट बॉक्स में बोलते जाइएगा, कुछ भी क्वेरी है. My mother will wait. बस एक्टिव पैसे बनाते समय ना आप बस ध्यान रखना, टेंस पे ध्यान रखना और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेंस पे ध्यान रखना. My mother will bake 2 dozen cookies for the bake sale. मेरी मदर 2 dozen cookies बनाएगी. Mother is the subject, this is the verb and this is the object. तो 2 dozen cookies से ही होगा. और सेंटेंस का टेंस पे ध्यान दो. सेंटेंस का टेंस इज सिंपल प्रेजेंट. इफ द एक्टिव इज इन सिंपल प्रेजेंट, द पैसिव हैज टू बी इन सिंपल प्रेजेंट एज वेल. पैसिव को भी सिंपल प्रेजेंट रखिए. अब देखो, विल के साथ वी वन आता है, ये तो वैसे ही गलत. और देखो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कर दिया, बट सिंपल फ्यूचर है तो आपको भी सिंपल फ्यूचर रखना है. 2 dozen कुकीज थर्ड पर्सन के साथ शैल नहीं लगाएंगे, यहाँ भी विल है, विल लगाएंगे. नीना विल विजिट ग्रीस इन मे. बहुत ज्यादा, हाँ, नरेशन भी हो जाएगा, नरेशन भी हो जाएगा, बारी बारी से सब हो जाएगा. सब हो जाएगा बारी बारी से. नीना विल विजिट, ये भी सिंपल फ्यूचर है. और ये देखो पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर लगाना है और पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म चाहिए ना, बट यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है और ये फ्यूचर है और इसको तो प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, ये भी हट गया. ग्रीस विल बी विजिटेड बाय नीना इन मे. अब देख रहे हो कितना इजी है. अननेसेसरी आप लोगों ने मुझे बोला ना कि मैम बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे वॉइस और नरेशन का, तो मैं आज वॉइस ले आऊँ, किसी दिन नरेशन करवा दूँगी. ये तो आपका बहुत स्कोरिंग एरिया है. क्लोस्टर्स वगैरह में गलती से गलती कर सकते हो, बट ये जो नरेशन इन वॉइस है ना, एकदम गलती मत करना क्योंकि रेस में पीछे रह जाओगे. ईजी है. हाँ, ये वाला पिछले साल का है. ठीक है, ये वाला पिछले साल का है, 2022 का है. नरेशन भी करवा दूंगी. दे वर वॉचिंग अ मूवी ऑन. इसमें भी ना कुछ एकात नहीं, 2-3 थोड़ा सा अलग से मिल जाएगा. पूरा वीडियो को लास्ट तक देखोगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हमारा बच्चा रॉन्ग कर सकता है. नरेशन भी करवा दूंगी. जो चीज़ लाऊंगी तो वो नहीं करोगे ना, कुछ ना कुछ तो बोलोगे, ये करवा दीजिएगा. दे वर वॉचिंग, पूरा नरेशन और एक्टिव पैसिव मैंने A to Z ग्रामर में पढ़ा दिया है. ये है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. गलत, गलत है. हाँ बताओ कौन सा आंसर है. बी है ना, जब भी ING आ गया तो बींग लगा के बनाते हैं और इसको तो पैसिव किया ही नहीं और इसका भी टेंस बदल दिया. आंसर इज दिस. थ्रो द जैकेट,
let us throw the jacket. Let the jacket be thrown. The jacket was thrown by you. The jacket must thrown by you. लाइक करने स्टूडेंट्स हमारे आ जाते हैं, बाद में वीडियो देखेंगे, अपने टीचर को खुश करने के लिए लाइक करने आ जाते हैं. थ्रो द जैकेट, और सेंटेंस को पैसिव ले जाना है ना, बट थ्रो तो पैसिव में तो वी थ्री चाहिए ना, थ्रो का वी थ्री तो थ्रोन होगा, तो ये हट गया. और दूसरा, थ्रो द जैकेट, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू होता है, ऑर्डर दिया जा रहा है, लेट लगा के बनाते हैं. लेट द जैकेट बी थ्रोन, इसका तो टेंस बदल दिया, और मस्ट के साथ वर्ब का वी वन फॉर्म, गलत. एस्पिरेशंस गिव्स अस द क्लैरिटी ऑफ आवर गोल्स. फिल अप द ब्लैंक्स करवा दीजिए. ठीक है, ठीक है. Aspirations gives us the clarity. Yes, इस sentence में वैसे हमारे पास दो object है, ये आपको पढ़ाया है. Sentence में दो object आ गया तो दो तरीके से बनेगा, ये भी एक object है, ये भी एक object है, but option में इन्होंने clarity को माना है. ठीक है, the clarity of our goal. ये sentence कौन सा tense जा रहा है? Simple present. Simple present में जा रहा है, but इसको तो आपने present perfect कर दिया, tense ही बदल दिया है. ये simple present में जा रहा है, ठीक है. और देख लो, अब बताओ, द क्लैरिटी इज गिवन ऑफ आवर गोल्स, ये तो द क्लैरिटी ऑफ होगा ना, यहाँ द क्लैरिटी इज कर दिया. अब देख लो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे इज है और यहाँ पे आर है, कौन सा होगा? हाँ, कुछ को लगेगा अरे इतने सारे गोल्स है, इतने सारे गोल्स है तो आर लगा देते, बट इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है गोल्स है ही नहीं, ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो गोल्स यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को देख के नहीं लगाओगे ना. हमारा मेन तो क्लैरिटी है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इज लगाना, हड़बड़ी में रॉन्ग मत करना. इज इज इज. पीपल से श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट, रॉन्ग नहीं करना है. लोगों का कहना है कि श्याम ऑनेस्ट है और समझदार है. हाँ, इट इज बिलीव नहीं होगा. बिलीव क्यों नहीं होगा? क्योंकि से है ना, से का ही तो सेट बनाएंगे. अगर ऐसा रहता ना, पीपल बिलीव, क्वेश्चन में बिलीव वर्ड रहता तो हम करते इट इज बिलीव, तो ये तो हट गया. अरे ये भी नहीं होगा, लेट्स से चलो बोलते हैं. हाँ तो बताओ क्या होगा. इट इज सेट डेट श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट. श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट इज सेट बाय पीपल. सेकेंड ही होगा, सेकेंड ही होगा. इट इज सेड डैट, ऐसा कहा गया मतलब ऐसा कहा गया है. इट इज, और दूसरी चीज देखो ना, पीपल यहाँ सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और श्याम ऑब्जेक्ट है. श्याम ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाओगे. पहले देख लो, आपके दिमाग में आएगा कि ऑब्जेक्ट को ही तो मैम सब्जेक्ट बनाना है. श्याम इज वाइज एंड ऑनेस्ट इज सेड बाय पीपल. मेरे को एक मिनट आंसर नहीं, कन्फ्यूजन हो सकता है. कुछ बच्चा हमारा बोलेगा ना, मैम पीपल से लोगों का कहना है, ठीक है, कि श्याम एक ऑनेस्ट है. गलत आप सोचोगे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं, मतलब ये वाला है ना, लोगों का कहना है. ऐसा नहीं है कि लोग श्याम से बोल रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है. लोगों का कहना है कि, दैट नहीं लगाया. वैसे श्याम भी यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, जिसके लिए इज वर्ब लगा है. ये जो इज लगा है श्याम के लिए, ये लोगों के लिए. तो ऑब्जेक्ट मत समझ लेना कि मैम पीपल ने श्याम से बोला इसलिए श्याम से शुरू करेंगे. नहीं, इट इज सेड, ऐसा कहा गया है, ऐसा. हाँ, बाय पीपल वेग है, ठीक है, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है कि लोगों के द्वारा ही बोला गया. आप बोलोगे मैम बाय पीपल नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि लोगों के द्वारा कहा गया, कि जब भी कुछ वेग नाउन प्रोनाउन आ गया तो वहां पे बाय लगाने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड. Tigers look after their cubs till they can hunt on their own. Error correction बहुत सारा करवा रखा है. Saturday Sunday को ना थोड़ा सा आप देख लेना. Yes. क्या होगा? Tigers अपने बच्चों की देखभाल करते हैं. Tigers subject है, look after देखभाल करते हैं, अपने बच्चों की object. तो कब से स्टार्ट होगा ना, कब्स 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 टिल, ये तो दोनों हट गया, आफ्टर कब्स नहीं होगा.
हाँ, तो क्या दिख रहा है डिफरेंस? थोड़ा सा आंख खोल के एग्जाम देना है. डिफरेंस क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि क्वेश्चन में लुक के साथ आफ्टर है. लुक का मतलब होता है सिंपली देखना, और लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना. अगर क्वेश्चन में लुक आफ्टर का सेंस है, आफ्टर लगा है, तो ऑप्शन में भी आफ्टर चाहिए. यहाँ नहीं है, यहाँ है. यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर. यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर. सेंटेंस पैसिव जा रहा है. विल के बाद बी लग के थर्ड फॉर्म पैसिव जा रहा है. इसका एक्टिव बनाना है. इन्होंने ये सेंटेंस पैसिव है. अगर सेंटेंस पैसिव जा रहा है तो आप फिर से पैसिव थोड़ी चुनने वाले. और सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा है, इसको पास्ट कर दिया है, ठीक है, और इसको शुड गिव लगा दिया. विल गिव यू, यही आंसर. पूरा नजर अपने ऑप्शंस पे डालिए, उसके बाद आपका क्वेश्चंस रॉन्ग ही नहीं होगा. आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा असाइनमेंट को सबमिट करने में, ठीक है. यहाँ यहाँ मेन सब्जेक्ट जो है आई है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. अब आप बोलोगे मैम सबमिटिंग क्या है? सबमिटिंग भी नाउन है, जीरेंड के रूप में ये प्रेपोजिशन आ गया. तो ये वाला जो सबमिटिंग है ना, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट. हमें तो वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया है ना, यू. यू से शुरू होगा तो ये दोनों तो हट गया. और टेंस देख लो, यू विल हेल्प सेंटेंस क्या है? सिंपल फ्यूचर है, ठीक है, और हमें सेंटेंस एक्टिव है तो इसका पैसिव बनाना है ना. पैसिव बनाने के लिए तो थर्ड फॉर्म चाहिए. नहीं है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है. विल बी थ्री. एक्टिव पैसिव कैसे स्ट्रांग होगा? पढ़ पढ़ के होगा, और कैसे स्ट्रांग होगा. द पुअर फेलो वॉज लाफ्ड एट बाय द क्राउड. द पुअर फेलो वॉज लाफ्ड एट बाय द क्राउड. सेंटेंस पैसिव जा रहा है. पुअर फेलो को क्राउड के द्वारा हंसा, उस पर हंसा गया. पैसिव जा रहा है, मतलब हमें एक्टिव चुनना है. एक्टिव चुनना है और सेंटेंस सिंपल पास्ट है, और ये तो पास्ट परफेक्ट है, ये तो प्रेजेंट है, और यहाँ पे तो मीनिंग भी बदल दिया. एक तो सेंटेंस पैसिव ही छोड़ दिया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन भी पैसिव में है. तो हमें ऑप्शन पैसिव थोड़ी चाहिए, हमें तो ऑप्शन एक्टिव चाहिए. और यहाँ मीनिंग भी बदल दिया. द क्राउड वॉज लाफ्ड एट नहीं होगा, क्राउड पे थोड़ी हंसा गया, पुअर फेलो पे हंसा गया. हो गया नेक्स्ट. स्पीड में चलेंगे, क्वेश्चंस ज्यादा है. प्रिया वॉशेज हर क्लोथ्स इन द इवनिंग. पता नहीं जो चीज आपके बकेट लिस्ट में है ना, जो चीज आप डिमांड कर रहे हो मैम ये करवा दो, सब करवा दिया है. फ्रेजल वर्ब जाके देखो ना, इतना ज्यादा सेशंस है फ्रेजल वर्ब का. फिक्स प्रेपोजिशन है, जाके चेक करिए. प्रिया वॉशेज हर क्लोथ्स. वैसे देखो यहाँ पे ना, अब ब्यूटी ऑफ स्टेनो एग्जाम, ठीक है, यहाँ पे हर है तो चलो द भी लगा दिया, सारे ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है. और क्लोथ्स तो प्लूरल होता है ना, क्लोथ्स प्लूरल है, और ये तो सिंगुलर है, हट गया. ये भी सिंगुलर है, हट गया. सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, बट ये तो पास्ट है, ये भी हट. द मैकेनिक विल रिपेयर द बाइसिकल ऑन संडे. संडे को रिपेयर कर देंगे, फ्यूचर है. हाँ फ्यूचर है, फ्यूचर रखना है. विल को वुड में बदल दिया, टेंस बदल दिया, बिल्कुल नहीं बदलेगा. विल मॉडल वर्ब है, इसके साथ वी वन चाहिए. दूसरा सेंटेंस का टेंस भी बदल दिया, सिंपल फ्यूचर है, बट इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस बना दिया, और कहीं से भी पैसिव नहीं बनाया. पैसिव होने के लिए तो थर्ड फॉर्म लगाना होगा ना, ये सही. ओके, तो मैं ना बहुत आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ. कम ऑन गाइज, गाइज 18th क्वेश्चन गोज फॉर यू. और गाइज लोगों को 18th क्वेश्चन दे के साइड में खड़ी होंगे. चलो गाइज बताना कौन सा आंसर है. ऐसा करने में बहुत लेट हो जाता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत टाइम देना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे मुझे लगे ना बहुत टाइम देना चाहिए वहीं पे टाइम दूंगी. ये सब मैं टाइम देना मतलब आपका टाइम वेस्ट करना है. हाँ हाँ, वॉज कंप्लीटिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस ही रखोगे ना. ये देखो यहाँ पे तो आपने कंटिन्यूअस किया नहीं. जब भी कंटिन्यूअस आ जाता है ना, तो उसका पैसिव बींग प्लस वी थ्री लगा के बनाते. और ये सेंटेंस पास्ट है, ये प्रेजेंट कर दिया. और ग्रेजुएशन सिंगुलर है तो वॉट नहीं होगा, वॉज. चलिए
बताइए। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आएगा 2022 के सारे सेट से, कुछ कुछ क्वेश्चंस आएगा जो आपको परेशान करेगा। यस जूम नहीं है, इसका ना फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो गया। हाँ थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं है, आप मैनेज कर लो, मैनेज कर लो। एन अनएक्सपेक्टेड कॉल डिस्टर्ब्ड मारिया, जितना सेंटेंस लेंदी उतना इजी। एक अनएक्सपेक्टेड कॉल ने, यहाँ कॉल नाउन है, किसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब किया मारिया को, तो मारिया हमारे सेंटेंस की ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो मारिया से ही स्टार्ट होगा। और ये क्या है, सिंपल पास्ट, और ये कुड वुड लगा दिया है, गड़बड़, ठीक है। मारिया डिस्टर्ब्ड नहीं होगा, मारिया ने डिस्टर्ब नहीं किया, मारिया को डिस्टर्ब किया गया। V3 लाना है, इज एम आर के बाद V3, यही आंसर है। और ये तो परफेक्ट डाल दिया। ओके गाइस, द पुलिस हेड कॉट, बट टेंस पे ध्यान दो ना, उसी लिए मैंने इसको करने के पहले ही बोला था। देखो टाइम की कमी होती है, टाइम की कमी होती है, तो आप अपना यहाँ से पूरा टाइम बचा के स्टेनो वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लोस्टर्स को हलबड़ी में करोगे, पैसेज को हलबड़ी में करोगे, PQRS को हलबड़ी में करोगे, तो रॉन्ग हो जाता है। तो आपका यहीं से तो टाइम बचाना है PQRS और क्लोस्टर्स और पैसेज के लिए, यहाँ टाइम बचा लो के और यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए ना फटाफट ऑप्शन को छाटिए। ये पास्ट परफेक्ट है, ओके रख दो, वो ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। और ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, ये हट गया। और स्टूडेंट को पता है कि ये सेंटेंस एक्टिव है, और हैज हैव हैड वाले सेंटेंस परफेक्ट का पैसिव बनाने के लिए हैड के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगाना, थर्ड। आई फिनिश दिस बुक इन अ मंथ, कुछ कुछ आएगा सेंटेंस जो आपको परेशान करेगा। हाँ टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आई फिनिश दिस बुक इन अ मंथ, और ये क्या कर दिया है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब ले आए, गलत है ना। सब्जेक्ट से पहले वर्ब कौन से सेंटेंस में आता है, क्वेश्चन मार्क वाले में, बट ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। और विल को वुड में बदल दिया, और यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब ला के इन्वर्जन कर दिया। द मदर लव्स द बेबी, जो इजी इजी है उसको जल्दी जल्दी। द मदर लव्स द बेबी, द बेबी इज लव्ड, प्रेजेंट टेंस में जा रहे हैं। पीपल कंसिडर डेट राधा इज क्रिएटिव इन हर वर्क, लोगों को लगता है ना कि राधा अपने वर्क में क्रिएटिव है। राधा क्रिएटिविटी, ये तो क्रिएटिव है, क्रिएटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ इन्होंने क्रिएटिविटी करके इसको नाउन बना दिया, नाउन बना दिया, ये तो हट ही गया। और पीपल, लोगों को ऐसा लगता है कि राधा क्रिएटिव है। पीपल हैव कंसिडर्ड, लोगों को ऐसा लगता है, मतलब लोगों को अभी भी लग रहा है कि राधा क्रिएटिव है, बट यहाँ पे तो टेंस ही बदल दिया। पीपल हैव कंसिडर्ड मतलब लोग ये कंसिडर कर चुके हैं, कर चुके हैं नहीं है, लोगों को अभी भी लगता है, ये भी हट गया। और क्रिएटिव को क्रिएटिविटी में नहीं बदलना है, क्रिएटिव है तो क्रिएटिव ही रखो उसको। माई फ्रेंड्स डिड नॉट स्टील माई मनी, My friends did not steal my money. Yes, my money. ये हमारा object है ना, friend तो subject है। My money was not stolen. Sentence past में जा रहा है। My friend was not stolen, नहीं होगा। आएगा दो तीन क्वेश्चन ऐसा भी आता है ना जहाँ पे आप रॉन्ग कर सकते हो, आएगा वैसा टाइप का क्वेश्चंस भी है। चलिए बताइए, दीज काइंड ऑफ स्टोरीज आर रिटन बाय पीटर, ये सेंटेंस पैसिव है, इज एम आर के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव, इसका मतलब है मेरे को एक्टिव चुनना है। हाँ और प्रेजेंट, देखो हर जगह टेंस का खेल है, प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, बट यहाँ पे पीटर कैन तो होगा नहीं, पीटर राइट दिस, देख लो पीटर सिंगुलर है तो पीटर के साथ राइट नहीं होगा ना, पीटर के साथ राइट्स होगा, राइट्स, और यहाँ तो टेंस बदल दिया।
आई बेड हिम, ड्रामा नहीं करना है, ड्रामा बिल्कुल नहीं करना है कि मैम और टफ वाला लेके आइए, क्योंकि मैं एकदम, आप जाके चेक कर सकते हो, ये डायरेक्टली 2022 पिछले साल के स्टेनो के एक्टिव पैसिव है, ठीक है। अगर आपको नरेशन और वॉइस में ड्रामा चाहिए, तरह तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो मैंने कुछ ऑसम क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं, उसको देख लेना, ऑसम क्वेश्चंस करवाए हुए, उसको देख लेना, नो ड्रामा, सारा एक्टिव पैसिव में ही करेंगे। असल में तो नंबर लूज करने वाले हो सब उसमें, क्लोस्टर्स में बिड। एक तो बिड का मतलब होता है बोली लगाना, जहाँ बोली लगाने के सेंस में हो उसका V2 V3 सेम होता है, पढ़ा दिया है वर्ब में। और एक बिड का मतलब होता है ऑर्डर करना, फेयरवेल वाले सेंस में, विदाई, बिड बेड बिडन। तो यहाँ बोली लगाने के सेंस में नहीं है ना, मैंने उसको ऑर्डर किया कि लिखो, तो बिड का थर्ड फॉर्म बिडन होता है, बिडन पैसिव में, बेडन तो कोई वर्ड नहीं, और इसके बाद तो थर्ड फॉर्म चाहिए ना। शिरीन इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड, अभी आ जाएगा, इट्स ऑफिशियल। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, जस्ट हैव पेशेंस, अभी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो शायद है होगा इसमें, अगर आप 2022 का पूछ रहे हो तो जरूर इसमें होगा, थोड़ा सा वेट करो। हर फ्रेंड इज बींग वेटेड, यस, इज हमारा ING आ गया तो बींग लगा के पास। John bought sweets at the store when he visited yesterday. Yes, sweets खरीदा, उसने sweets खरीदा, sweets were, चलो were है, यहां भी were है, और sentence तो past में जा रहा है, तो ये तो हट गया, ये तो हट गया, और बींग नहीं लगाएंगे ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे स्वीट्स वर्ड टू बी ब्रॉट, और एक चीज ध्यान देखना, एक चीज ध्यान देना, स्वीट्स वर्ड टू बी बॉट, यहाँ पे अभी स्वीट्स खरीदा नहीं है, स्वीट्स को खरीदा जाना था, टू बी बॉट, टू बी बॉट मतलब पास्ट में स्वीट्स को, मिठाइयों को खरीदा जाना था, इसका मतलब यहाँ पे अभी खरीदा नहीं है, बट क्वेश्चन में तो खरीद चुका है ना, ठीक है, तो टू बी वाला नहीं लगाओगे, ये टू बी नहीं लगाओगे। द टू क्वींस आर सिंगिंग द ट्रीटी टूडे, सीजीएल मेंस का बैच ना चल रहा है, ऐप पे चल रहा है, ऐप ऐप यूसी लाइव ऐप पे चल रहा है, मंडे से यूट्यूब पे आ जाएगा चेंज टाइमिंग के साथ, 11:30 to 12:30। द टू क्वींस आर साइनिंग, इज एम आर के बाद ING है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि बींग लगा के बनेगा, इज बींग साइन। द सुपर मार्केट में डिक्लेयर अ वीकेंड ऑफर फॉर ऑल द फूड आइटम्स, द सुपर मार्केट में डिक्लेयर अ वीकेंड ऑफर, वीकेंड ऑफर डिक्लेयर करेगा, अ वीकेंड ऑफर में है तो आपको भी में ही रखना है, वुड में नहीं बदलोगे, और सेंटेंस एक्टिव जा रहा है ना, तो पैसिव में मॉडल के साथ BEB लगा के थर्ड फॉर्म लगाना, बट यहाँ तो थर्ड फॉर्म नहीं लगाया बी लग, और यहाँ तो परफेक्ट कर दिया, BEB डिक्लेयर्ड, में बी डिक्लेयर। आई लर्न अ ग्रेट लेसन फ्रॉम माई फेलियर, मुझे अपने फेलियर से सबक मिला। हाँ, अ ग्रेट सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट, और सेंटेंस पैसिव में लाना है ना, पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म लाना है, और लर्न, लर्न इसका V2 भी लर्न होता है, इसका V3 भी लर्न होता है, बट हमें तो पैसिव करना है, तो इज MR लगा के तब थर्ड फॉर्म आएगा। निधि ड्रॉज द डायग्राम्स, बोलते जाइए, एक दिन मैं आर्टिकल का एरर्स करवाऊंगी, ठीक है, यूट्यूब पे ही पिछले एग्जाम्स में आए हुए आर्टिकल के कुछ कंफ्यूजिंग एरर्स, प्रेजेंट टेंस जा रहा है, डायग्राम्स प्लूरल है, इट इज निधि हु इज ड्राइंग द, ये तो होगा।
ठीक है, डायग्राम्स आर ड्रॉन बाय द निधि थोड़ी हो, सेकेंड सेकेंड, आर्टिकल का एरर कर लेंगे, मैंने क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लिया है. मनदीप हैज रिपेयर्ड द ट्रक, जब भी हैज रिपेयर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, और ट्रक तो सिंगुलर है, ट्रक के साथ तो हैज होना चाहिए, ये भी हट गया, हैज पिछले साल का है. अब बताओ पिछले साल का ही, ये इतना इजी है. रीना इज अटेंडिंग द सेमिनार, रीना सेमिनार अटेंड कर रही है, द सेमिनार इज बीइंग अटेंडेड, कहाँ चला गया. हाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रखो, ये पास्ट, ये पास्ट, ये पास्ट. अब तक तो समझ में आ गया है ना कि मैम तीन ही चीज़ का तो खेल है, एक तो टेंस देख लेना है, दूसरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है, और तीसरा देखना है कि सेंटेंस एक्टिव है तो हमें उसका पैसिव चुनना है, अगर क्वेश्चन पैसिव है तो एक्टिव चुनना है, इसी तीन चीज़ का खेल है. Someone sent him a check for 100 euros as his remuneration. किसी ने उसको चेक भेजा. देखो भाई, सेंटेंस पास्ट टेंस जा रहा है और हमें एक्टिव है और हमें पैसिव बनाना है, और आप बोलोगे मैम इसको क्यों नहीं चुना. पैसिव बनाते समय ना तो इज एम आर के बाद डायरेक्टली थर्ड फॉर्म आता है तब पैसिव आता है, इज एम आर के बाद बीइंग नहीं लगाना है, हम बीइंग लगा के पैसिव तब बनाते हैं जब सेंटेंस में हैज हैव हैड हो, सेंटेंस में हैज हैव हैड नहीं, और सेंटेंस पास जा रहा है ये तो प्रेजेंट, और हमें यहाँ देखो ये तो वी टू डाल दिया, बट पैसिव बनाते समय वॉज के बाद वी थ्री करोगे तब तो पैसिव है, ठीक है. ही वॉज सेंट. Let the experts emphasize the importance of renewable energy. हाँ, passive में told के साथ हम to लगा सकते हैं, active में नहीं लगाते. बताओ, let the experts emphasize the importance of renewable energy. Let the expert प्रेजेंट में बोला जा रहा है, प्रेजेंट में बोला जा रहा है, तो जल्दी से बता दो कि पहला वाला रॉन्ग क्यों है, पहला वाला रॉन्ग क्यों जरा बताना, क्योंकि लेट से जब हम पैसिव बनाते हैं ना तो लेट के बाद हमेशा बी आता है, उसके बाद वी थ्री, ओके. और यहां भी तो आया है लेकिन लेट शुरू में होगा, लेट यहां पर नहीं होगा, लेट यहां होता तो ये भी हो जाता, और यहां ये होगा, लेट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूअल एनर्जी बी एम्फसाइज, विल बी नहीं. लेमन टेस्ट सार, हाँ लेमन खट्टे होते हैं, ये एक जनरल बात कही गई है, जनरल बात तो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा ना, ये तो हट ही गया. ये वाला क्वेश्चन ना कई सारे प्रीवियस ईयर के बुक्स में मैंने देखा है, रॉन्ग आंसर दे दिए, ये दे दिए आंसर, लेमन इज टेस्टेड बिटर नहीं होगा, गलत है, लेमन इज सार व्हेन इट इज टेस्टेड, ये मैंने आपको पढ़ाया है कई सारे बुक्स में ना, ये वाला रॉन्ग आंसर दे दिया, बट रॉन्ग है ये आंसर. हाँ, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, वो वाला एग्जाम्पल किया है, क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड. द अर्थक्वेक हैज डिवास्टेटेड, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट, और जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया उसका पैसिव बीन लगा के बनाते हैं, पैसिव, ये तो एक्टिव है, बीन लगा के बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे बीन नहीं लगाया, पैसिव नहीं किया है, और पास्ट परफेक्ट है, इसको प्रेजेंट कर दिया है, और इसको तो सिंपल पास्ट. सारा वॉज ब्रिंगिंग द केक फॉर द पार्टी, सारा वॉज ब्रिंगिंग द केक फॉर द पार्टी, सारा वॉज ब्रिंगिंग द केक वॉज बींग ब्रॉट, वॉज होगा ना, केक तो सिंगुलर है तो केक के साथ तो वर होगा नहीं, और ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, द केक फॉर द पार्टी वॉज बींग. अब देख लो ये जो ब्रिंग होता है, ब्रिंग और बाय में क्या डिफरेंस, ब्रिंग का, ब्रिंग मतलब कोई भी चीज लाना, ब्रिंग का वी थ्री ब्रॉट होता है,
और बाय का V3 बॉट होता है, बॉट का मतलब वही खरीदने के सेंस में, तो वहां खरीदने के सेंस में नहीं है, लाने केक लाएगी तो ब्रिंग का ब्रॉट होगा ना, कहाँ चला गया ये, हो बाय होता तो हम बॉट करते, बाय होता तो बॉट कर देते। द वेडिंग, थोड़ा सा फॉन्ट इसका छोटा है। पता नहीं क्या लिख के भेज रहे हो, एक बार टीम के पास भेज देना, इट्स ऑफिशियल, मैं आपको आंसर करके भेज दूंगी, ठीक है, मैं आपको आंसर करके भेज दूंगी। कई बार क्या होता है ना, कई टेस्ट सीरीज वाले क्या करते हैं कि जो इसमें आंसर की आता है ना, आंसर की आता है उसमें कभी कभी आंसर की में किसी क्वेश्चन का आंसर गलत होता है, गलत हो जाता है, और टेस्ट सीरीज वाले क्या करते हैं ना, इसी से आंसर छाप देते हैं, यहाँ आंसर है, टेस्ट सीरीज में भी आंसर रॉन्ग निकल जाता है। अभी मैं बताऊंगी, एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा था, 2022 का ही है, स्टेनो का ही है, बट स्टेनो के आंसर की में आंसर रॉन्ग था, और टेस्ट सीरीज कोई कोई बच्चा भेजा था, क्रैक्यू, मैम क्रैक्यू में भी इसका आंसर यही दिया है जो आंसर की में है, जबकि दोनों जगह रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है ना, आंसर की से ही छाप दिया है जबकि वो रॉन्ग है। ये देखो, इज मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, द वेडिंग प्लानर इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशंस एंड अरेंजमेंट्स, तो यहाँ पे वेडिंग प्लानर तो सिंगुलर है, बट हमें ऑब्जेक्ट तो ऑल द रिजर्वेशंस को बनाना है, और ऑल द रिजर्वेशंस तो प्लूरल है, आर लगेगा, और ये होगा ना आर बीइंग मेड, ING लगा के थर्ड फॉर्म। ओके, व्हाट इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड विद द स्कूल अथॉरिटी बाय द इंस्पेक्शन टीम, बताते जाइए फटाफट, बताते जाइए, और सेशंस को थोड़ा लाइक वाइक भी करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए अपने टीचर को। शेयर, एक तो शेयर बाय नहीं होगा, ठीक है, व्हाट इंफॉर्मेशन, और सेंटेंस पैसिव जा रहा है ना, शेयर बाय नहीं होगा, शेयर्ड विथ होगा, विथ होगा, तो ये तो वैसे ही हट गया, और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, बट ये तो प्रेजेंट है, परफेक्ट वाला, हैज द इंस्पेक्शन शेड, ये भी हट गया, ये भी हट गया, व्हाट इंफॉर्मेशन, और सेंटेंस देखो, सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, बट यहाँ तो इन्होंने सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया है, तो ये भी गलत है, पहला वर्ब, पहला पहला पहला, तुम्हें ध्यान रखना है, कुछ बच्चे हमारे बी बी आंसर दे रहे हैं। होपफुली द मैच विल बी वन बाय अवर टीम, सेंटेंस पैसिव है, विल बी थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव है, हमें एक्टिव चुनना है, होपफुली हमारा मैच हमारी टीम के द्वारा जीता जाएगा, अवर टीम विल विन द मैच, अवर टीम विल बी, अरे बी के साथ तो V3 आता है, गलत गलत गलत, ये द लाइफ गार्ड रेस्क्यूड मॉली एंड हर फैमिली, लाइफ गार्ड ने मॉली और उसके फैमिली को बचा लिया, मॉली एंड फैमिली, मॉली और उसका फैमिली प्लूरल है ना, मॉली भी है फैमिली भी है, तो प्लूरल है, वॉज तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और वर के साथ थर्ड फॉर्म, बींग नहीं लगाएंगे, बींग तो तब लगाते हैं ना जब यहाँ पे ING होता है, ठीक है। आई एम रिकग्नाइज फॉर माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अकेडमिक वर्ल्ड, सेंटेंस पैसिव जा रहा है, कैसे पता चला, इज एम आर के बाद V3 आ रहा है, पहले देख लो एक्टिव है कि पैसिव है, सेंटेंस पैसिव है इसका मतलब हमें एक्टिव वाला ऑप्शन को चुनना है। पीपल रिकग्नाइज मी, आई रिकग्नाइज, अच्छा आई एम रिकग्नाइज फॉर माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अकेडमिक वर्ल्ड, पीपल को यहाँ वेग माना है, पीपल रिकग्नाइज मी, येस सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, ये जो है ना इसको पास्ट मत समझ लेना, ये V3 है और एम तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, तो ये तो वैसे ही हट गया। और हाँ, और दूसरा देख लो, आई रिकग्नाइज, आई रिकग्नाइज मतलब मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ, मुझे पहचाना जाता है लोगों के द्वारा, तो पीपल रिकग्नाइज मी होगा,
बट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, लोग मुझे मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जानते हैं, पीपल रिकॉग्नाइज मी फॉर माई कॉन्ट्रीब्यूशन. आई हैव टू स्टे. हाँ, यही वाला बच्चा पूछ रहा था. देर इज वन स्टूडेंट, पता नहीं क्लास में है तो हाथ उठाइएगा. ये क्वेश्चन शायद आप पूछ रहे थे, तो मैंने बोला कि अगर 2022 का है तो ये आया होगा, तो यही वाला पूछ रहे था. हाँ, तो बताओ क्या है. यही वाला क्वेश्चन हमारा बच्चा पूछ रहा था, मैं समझ गई हूँ. माइंड नहीं होगा, माइंड तो प्रोनाउन होता है. हाँ, इट्स ऑफिशियल पूछ रहे थे. अब देखो, आई हैव टू स्टे, आई हैव टू डू द वर्क. मेरे को ये काम करना ही है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मेरी बाध्यता है, मेरे को ये काम करना है. ये जो, हाँ बता रही हूँ. सबसे पहले ये जो ओब्लाइज वर्ड है ना, ये जो ओब्लाइज वर्ड है, ये बहुत खूबसूरत वर्ड है. इसका दो मतलब होता है. मैं ओब्लाइज हूँ, जैसे बोलते हैं ना जब लेटर राइटिंग करते हो, तो मैं बहुत ओब्लाइज हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ. एक ओब्लाइज का मतलब होता है ग्रेटफुल होना, ओब्लाइज वर्ड है. एक ओब्लाइज का मतलब है ग्रेटफुल होना, आभारी होना. और एक ओब्लाइज का मतलब होता है ना फोर्स करना, मतलब प्रेशर में कोई काम करना. ओके, आपकी बाध्यता है, आपको करना है. जैसे एक सेंटेंस आपके सीजीएल में आया था, सरकमस्टांसेस ओब्लाइज्ड मी टू रिजाइन, सरकमस्टांसेस ने मुझे मजबूर किया रिजाइन करने पे. तो एक ओब्लाइज का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, मजबूरी में कोई काम करना, मतलब आप बच नहीं सकते हो, आपको करना ही है. ठीक है, आपको करना है. ठीक है, एक ओब्लाइज का वो भी मतलब होता है. एक ओब्लाइज का मतलब होता है आभारी होना, और एक ऑब्लाइज का मतलब होता है फोर्स्ड, मजबूरी में आपको ये काम करने ही, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाध्यता है. तो चलो, यहाँ पे क्या है, आई हैव टू स्टे इन नीदरलैंड्स. किसी भी हाल में मेरे को नीदरलैंड्स में रहना ही पड़ेगा, जब तक कि मैं अपना कोर्स ना खत्म कर लूँ. ठीक है, तो क्या पहला होगा, आई लेट मी स्टे इन नीदरलैंड्स. अच्छा, सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, जरा बताना. एक ऑब्लाइज का मतलब बाध्यता, और एक सेंटेंस पैसिव नहीं है ना, सेंटेंस एक्टिव है. ठीक है, सेंटेंस एक्टिव है, क्योंकि हम, ये सेंटेंस पैसिव नहीं है. पैसिव होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ना. और दूसरा, पहला नहीं होगा क्योंकि पहला वाला सेंटेंस में भी किसी वर्ब का पैसिव नहीं दिख रहा है. ये भी हट गया. अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो पैसिव है, इज एम आर के बाद V3 आ गया, ये भी पैसिव है. आई मे बी अलाउड, ये भी पैसिव है. इट इज सजेस्टेड, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आया, पैसिव है. ठीक है, तीनों पैसिव है. सेंटेंस एक्टिव जा रहा है और हमें पैसिव ही चुनना है. ये तो हट ही गया क्योंकि इसमें कोई पैसिव है नहीं, पहला वाला. अब कभी कभी हमें सेंटेंस का सेंस देखना होता है. आई हैव टू स्टे, मेरे को किसी हाल में रहना पड़ेगा, तो इट इज सजेस्टेड थोड़ी है. इट इज सजेस्टेड मतलब मुझे सुझाव दिया जा रहा है किसी के द्वारा कि मुझे रहना चाहिए. वो तो खुद बोल रहा है कि मुझे रहना पड़ेगा, तो सजेस्टेड का सेंस नहीं जा रहा है. ठीक है, और आई मे बी अलाउड मतलब मेरे को अलाउ किया जाना चाहिए. नहीं, आई एम ओब्लाइज्ड मतलब मेरे को रहना पड़ेगा नीदरलैंड्स में, मजबूरी है, जब तक कोर्स ना खत्म हो जाए. तो भाई, जिसका भी क्वेश्चन था, थोड़ा सेंस भी देखना होता है मेरे लिए, कंपल्सरी थोड़ा सेंस भी देखना होता है बनाते समय. इट्स योर ड्यूटी. हाँ देखो, फिर से आ गया, इट्स योर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर पीपल इन योर पैरिश. पैरिश का मतलब होता है चर्च. चर्च में जो आपकी ड्यूटी है, बस आपको ओब्लाइज का मतलब पता होना चाहिए. एक ओब्लाइज का मतलब है फोर्सफुली, मजबूरी में आपको रहना होगा. हाँ, इट्स योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है कि आप लोग गरीबों की हेल्प करें चर्च में. तो सेंटेंस एक्टिव है ना, इसका पैसिव बनाना. अच्छा, ये सब क्वेश्चंस में रॉन्ग कर देगा. अभी तक तो सब ठीक ठाक जा रहा था, अचानक एक स्पीड ब्रेकर कहाँ पे आ गया. 40 क्वेश्चंस तो बहुत अच्छा जा रहा था, इजी था, अचानक एक स्पीड ब्रेकर आ गया 45 क्वेश्चन में. तो कोशिश करना है ना कि यही वाला सेंटेंस, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना है, तो इस सेंटेंस को रॉन्ग नहीं होने देना. अब देखो हमारा बच्चा क्या बोलेगा. इट्स योर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर इन योर पैरिश, द पुअर इन द पैरिश आर हेल्प आर. थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो. इट्स योर ड्यूटी, तुम्हारा कर्तव्य है टू हेल्प. क्या कर्तव्य है? कि आप लोगों की, गरीबों की मदद करें. अभी करना शुरू नहीं किया, एडवाइस दिया जा रहा है. आपकी ड्यूटी है गरीबों की मदद करना. और यहाँ पे द पुअर पीपल इन द पैरिश आर हेल्प,
पुअर पीपल को हेल्प किया जाता है, मतलब काम ऑलरेडी हो रहा है बट यहाँ पे हो नहीं रहा है, बोला जा रहा है कि आपकी ड्यूटी आपको करना चाहिए बट यहाँ तो ऑलरेडी किया जा रहा है। अब बताओ। इट इज सजेस्टेड दैट यू डू योर ड्यूटी टू हेल्प द पीपल। अच्छा, यू डू योर ड्यूटी, डू कहाँ से लगा दोगे, यू डू योर ड्यूटी नहीं होगा, इट इज योर ड्यूटी, डू डू योर ड्यूटी नहीं है, इज योर ड्यूटी है, इज है तो ये भी नहीं होगा। किसी के दिमाग में जाएगा मैम सजेशन दिया जा रहा है ना कि गरीबों की मदद करो, तो यू डू योर ड्यूटी नहीं है, डू नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है। ये भी हट गया, ये हुआ था पुअर पीपल इन आर टू बी हेल्प्ड, आर आर टू बी हेल्प, टू बी हेल्प्ड का मतलब क्या है। अच्छा हाँ, आप मुझे बोलोगे कि मैम यहाँ तो आर हेल्प्ड है और यहाँ पे आर टू बी हेल्प्ड है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। आर हेल्प मतलब ऑलरेडी उनकी हेल्प की जाती है बट उनकी हेल्प की जानी चाहिए, अभी कर नहीं रहे हैं, की जानी चाहिए तो अभी कर नहीं रहे हैं, एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, एक रॉन्ग हो गया। ओके, इन्फिनिटिव का भी पैसिव बनाएंगे। द पेंटिंग वॉज डन बाय हिज सन, तो ये तो हिज सन डिड द पेंटिंग, पास्ट है ना। द पेंटिंग वॉज कम्प्लीटेड नहीं करोगे क्योंकि ऐसा रहता ना, द पेंटिंग वॉज कम्प्लीटेड रहता तब हम लोग कम्प्लीटेड करें, बट डन है ना, डन है तो डिड लाएंगे। रोहन वर्बली इंसल्टेड स्टीफन इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स। डी स्टीफन वॉज वर्बली, सही है, सिंपल पास्ट है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट है तो अब भी पास्ट परफेक्ट। हिज पेरेंट्स विल सेंड हिम टू बोर्डिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर। हिज पेरेंट्स विल सेंड हिम, सेंटेंस एक्टिव है, पैसिव आ गया, विल बी सेंट, विल बी सेंट होगा, ये तो हट गया, ये भी हट गया। ही विल बी सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब बोलोगे मैम यहाँ तक तो सेम है, ही विल बी सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, यहाँ तक तो सेंटेंस सेम लग रहा है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे नेक्स्ट ईयर को बाद में डाला है और यहाँ नेक्स्ट ईयर को पहले डाला है, तो क्या करना है, नेक्स्ट ईयर को पहले ही रखना है। अच्छा, he will be sent to a boarding school next year by his parents. he'll be sent, sent to the boarding school next year. दोनों हो सकता है, लेकिन आंसर तो कोई एक ही है ना, आंसर तो कोई एक ही है, दोनों हो सकता है, आंसर तो कोई एक ही मानना है। ही विल बी सेंट टू द बोर्डिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर। हाँ पहले ही वाला को लिया है, ओके हाँ पहले ही वाला को लिया है उन्होंने, यस। देखो देखो उन्होंने क्या किया है ना, विच वन इज करेक्ट, हमारी तरफ से ए है। देख रही हूँ 42 का ए है, इन्होंने क्या किया है, हाँ ये क्या है, ही विल बी सेंट कहाँ पे, ये बोर्डिंग स्कूल, ये एमपीटी रूल याद है, जब मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया था उसमें मैनर पढ़ाया था, प्लेस बताया था, टाइम बताया था, तो बोर्डिंग स्कूल प्लेस है और ये टाइम है, इसको रखोगे फर्स्ट फर्स्ट। हिज फादर फेड द किड्स एवरी डे। उन्होंने देखो दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, ही विल बी सेंट टू द टू अ बोर्डिंग स्कूल बाय हिज पेरेंट्स नेक्स्ट ईयर। अगर अगर इन्होंने तो आंसर यही दिया था, आंसर यही दिया था, बट ज़्यादा सटीक देखा जाए ना तो बी ही जाएगा, ज़्यादा सटीक दिया जाएगा कि इन्होंने नेक्स्ट ईयर उसको बोर्डिंग स्कूल भेजा गया पेरेंट्स के द्वारा अगले साल।
नेक्स्ट वाला, हिज फादर फेड द किड्स एवरी डे, हर दिन फीड करता था. द किड्स वर फेड. वर वर दूसरा दूसरा. द लायन वॉज चेजिंग द स्टैग. स्टैग को लायन चेज कर रहा था. द स्टैग वॉज बींग चेज्ड. कभी कभी ना वो जो आंसर दे देते हैं, ठीक है, वो जो आंसर दे देते हैं वो बदलना चाहते नहीं है. ठीक है, वो बदलना नहीं चाहते हैं कि चलो उस केस में उसने क्या माना. ऐसे देखा जाए तो सटीक आंसर तो यही होगा. उन्होंने इसको आंसर दे दिया था, इसको आंसर उन्होंने दे दिया था एसएससी के, मतलब स्टेनो के अनुसार. बट ही विल बी सेंट टू द बोर्डिंग स्कूल बाय हिज पेरेंट्स नेक्स्ट ईयर. अभी मैं एक दो और बताती हूँ. वहाँ पे भी इन्होंने गड़बड़ी किया है, लेकिन वहाँ पे तो एकदम रॉन्ग ही है. डैनियल इज बाइंग अ कार. डैनियल इज बाइंग अ कार. हो सकता है बाद में करेक्ट किया है, नहीं किया है. कार इज बींग बॉट प्रेजेंट. मिस्टर गुप्ता एंड हिज ब्रदर्स रीमॉडल देयर हाउस. सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है. तो ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है ना, ये तो प्रेजेंट है. अब देखो, वॉज रीमॉडल्ड और वॉज टू बी रीमॉडल्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है जरा बताना. अभी मैंने जस्ट दो चार क्वेश्चन पहले इसको समझाया. द हाउस वॉज रीमॉडल्ड, हाउस को ऑलरेडी सुधार दिया गया, रीमॉडलिंग किया गया. बट यहाँ पे किया नहीं गया, किया जाना था. द देयर हाउस वॉज टू बी रीमॉडल्ड. टू बी रीमॉडल्ड मतलब पास्ट में उसको करना था. तो यहाँ तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो आंसर ये हो, आंसर ये हो, यही होगा. नर्गिस क्विकली पिक्स आउट द इंपॉर्टेंट फाइल्स फ्रॉम हर ऑफिस शेल्फ. प्रेजेंट टेंस जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस जा रहा है. पिक्स आउट, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर है, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट. आर क्विकली. व्हेन विल द ड्रेस बी रिटर्न. कल स्टूडियो में कुछ काम करवाना है सेकेंड हाफ में, तो कल स्टेनो की क्लास आई डोंट थिंक हो पाएगी. व्हेन विल और मेंस वाली जो क्लास है ना, वो यूसी लाइव ऐप पे होगा. विल है तो विल को विल में रखोगे ना, विल को वुड में मत बदलना, ठीक है. व्हेन शैल यू रिटर्न द ड्रेस. व्हेन विल यू, और यहाँ भी फ्यूचर कंटिन्यूअस कर दिया. अगर यहाँ पे आई रहता ना तो मैं शैल करती, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस में शैल फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है, आई और वी के साथ, लेकिन यू तो सेकंड पर्सन है, विल लगा. ही हैड नॉट कमिटेड द मिस्टेक. इजी है. ही हैड नॉट कमिटेड द मिस्टेक. द मिस्टेक हैड नॉट बीन, हैज हैव हैड आ गया तो वी थ्री लगा. और ये तो क्वेश्चन मार्क कर दिया, कहाँ से क्वेश्चन मार्क होगा. पीपल डोंट यूज दिस रोड मच. हाँ, ये बताना मेरे को, बताओ कि यहाँ मच क्या है, मच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जरा बताना. पार्ट ऑफ स्पीच बताना, यहाँ नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब एडजेक्टिव है, क्या है. मच का पार्ट ऑफ स्पीच बताना. एडवर्ब है, वेरी गुड आंसर. एडवर्ब है, एडवर्ब, एडवर्ब. क्योंकि पीपल डोंट यूज, इसको ज्यादा यूज नहीं करते. डोंट यूज वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए. वैसे मच एडजेक्टिव भी होता है. अगर मैं बोलूँ मच वाटर, वाटर नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है. तो मच यहाँ पे एडवर्ब है. लोग इस रोड को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते. कैन नॉट तो होगा नहीं, दिस रोज इजंट यूज्ड नहीं होगा. Isn't this, अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट सॉरी है, सॉरी. एक चीज़ और देख लो, क्वेश्चन में पीपल है और यहाँ पे पब्लिक दिया है, ठीक है, पब्लिक. तो पब्लिक नहीं होगा, पीपल ही होगा या तो नहीं भी होगा. दिस रोड isn't much used नहीं होगा, एडवर्ब है, much used नहीं होगा, होगा isn't used much, much बाद में होगा.
ये आंसर है, इसमें भी रॉन्ग कर सकते हो, अरे इसमें भी रॉन्ग कर सकते हो। आप बोलोगे मैम पाइप पीपल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पीपल को वेग मान लिया, अंडरस्टूड है लोग रोड है तो लोगों के द्वारा ही यूज होगा। ओके ध्यान ध्यान से देखो, पब्लिक अलग है ठीक है, लोग का मतलब होता है जनरल सेंस में कॉमन लोग, पब्लिक अलग वर्ड है, पीपल है तो स्पेसिफिक लोग को पब्लिक बोलते हैं, किसी स्पेसिफिक जगह के लोग को। तो ए होगा, नहीं नहीं बिल्कुल ए नहीं होगा, मच यूज्ड नहीं होगा, दिस रोड इजेंट मच यूज्ड नहीं होगा, दिस रोड इजेंट यूज्ड मच, ये मच बाद में होगा, यहाँ पे यूज के पहले लगा दी। ओके यूज मच बाद में होगा, बाय पीपल नहीं भी लगाया, अंडरस्टूड। द स्कॉलर ऑफ द डिपार्टमेंट कुड हेल्प द जूनियर स्टूडेंट्स इन द प्रपोज्ड कोचिंग, कुड हेल्प है, कुड हेल्प है तो परफेक्ट नहीं करोगे ना, कुड हैव बीन हेल्प, कुड हैव हेल्प, और कुड है तो कुड ही रखोगे, कैन भी नहीं रखोगे, कुड भी। लास्ट वाला होगा, पब्लिक को पीपल में नहीं बदल दोगे, लोग मतलब सामान्य लोग, और पब्लिक किसी खास लोगों में से भी किसी खास को पब्लिक। मैरी वॉज कुकिंग द मील, 70-20 होगा। मैरी वॉज कुकिंग द मील वॉज बींग कुक्ड। देखो भाई ये वाला जो सेशंस मैं करवा रही हूँ ना, ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिसने पढ़ रखा है ठीक है। आप सोचोगे कि कोई बच्चा न्यू कमर आ जाएगा, उसको तो रूल्स कॉन्सेप्ट्स पता ही नहीं है, तो वो कहाँ से बनाएगा, ये तो प्रैक्टिस है। द एम्प्लॉयर पेड हिम द सैलरी, ऐसा नहीं है कि अचानक सो के उठ के आ जाओगे और सब समझ में आने लगे, बेसिक करना होगा आपको। द एम्प्लॉयर पेड हिम सैलरी, एम्प्लॉयर ने उसको सैलरी पे किया। अब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉयर ने किसको पे किया, हिम को, क्या पे किया, सैलरी, तो दो ऑब्जेक्ट आ गया, तो दो तरह से पैसिव बन सकता है। बताओ, बींग तो हटा दो, सेंटेंस सिंपल पास्ट में जा रहा है, बींग हटा दिया और ये हट गया, पास्ट परफेक्ट जा रहा है, ये भी हट गया। अब बताओ, ही वॉज पेड बाय द एम्प्लॉयर सैलरी, उसको पे किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा सैलरी, अरे ऑब्जेक्ट पहले लाना है ना, ही वॉज पेड, ये क्वेश्चन करेक्ट हो सकता था अगर सैलरी यहाँ पे रहता। इन्होंने ही को ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब सब्जेक्ट बना लिया, ही वॉज पेड, क्या पे किया गया, सैलरी, किसके द्वारा, वो सैलरी पहले लाना था, तो सी होगा। लीव द प्रमाइसेज, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने टीम के पास भेजा और स्टूडेंट सही था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आंसर की में जो आंसर दे देते हैं ना, बच्चों को लगता है कि हम ही गलत है और एसएससी का आंसर सही था। एसएससी के अनुसार, एसएससी ने मतलब स्टेनो वाला, आप इस सेंटेंस को मतलब इस सेंटेंस को चेक करना, 2022 के स्टेनो एग्जाम में आया है पिछले साल, और इस एसएससी ने इसको करेक्ट किया है ठीक है, और बोला कि मैम एक टेस्ट सीरीज है ना, वहाँ भी ये करेक्ट दिया हुआ, क्योंकि टेस्ट सीरीज ने यहीं से छाप लिया है, कहाँ से होगा। ये हो सकता था, लेट द प्रमाइसेस बी लेफ्ट, लेट के बाद सीधा V3 आता, लेट द प्रमाइसेस बी लेफ्ट, तुरंत यहाँ से बाहर लिख लो, प्रमाइसेस से, परिसर से बाहर जाओ, तो ये हमारे स्टूडेंट को पता है कि ये नहीं हो सकता है। ओके लेट द प्रमाइसेस बी लेफ्ट होता तो हो जाता, टू लगाने की जरूरत ही नहीं, तो ये वाला हट गया, ये वाला हट गया। हाँ लेट द प्रमाइसेस, यू आर टोल्ड टू लीव द प्रमाइसेस, आपको किसी के द्वारा कहा गया है, ए होगा। अब हो सकता है कि बाद में आंसर सुधार दिया होगा, बाद में उन्होंने आंसर सुधार ही दिया होगा, क्योंकि किसी हालत में ना सेकंड होगा ही। Somebody sent me a gift on my anniversary. You are told, आपको कहा जाता है कि प्रमाइसेस किसी के द्वारा कहा गया है। Somebody sent me a gift, यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ये है और एक ये है, बट आई से बनाया, आई वॉज सेंट अ गिफ्ट ऑन माई एनिवर्सरी बाय समवन, आई वॉज सरप्राइज, ये तो हटाई है, और ये वुड लगाने की जरूरत ही नहीं।
समवन सेंट अ गिफ्ट ऑन माई एनिवर्सरी और सेंटेंस एक्टिव है, तो हमें पैसिव चाहिए ना, ये भी एक्टिव ही है, हमें तो पैसिव चाहिए. इज एम आर के बाद वी थ्री. द एडमिनिस्ट्रेटर विल गिव यू, द एडमिनिस्ट्रेटर विल गिव यू अ चेक. एडमिनिस्ट्रेटर, अब बार बार टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है ये सब समझाना ना. एडमिनिस्ट्रेटर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यू है, एक ऑब्जेक्ट चेक है. देख लो आपके ऑप्शन में इन्होंने चेक को चूज़ किया है, और चेक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ शैल मत लगाना, विल ही लगाना. समझा दिया दीजिए तो अच्छा रहेगा, हर सेंटेंस में तो समझा ही दे रही. कभी कभी भी ना, जो हमारे बिगनर्स वाले स्टूडेंट है, डायरेक्टली सेंटेंस में मत आइए. मैं समझ सकती हूँ, स्टेनो का एग्जाम आ गया है तो आपको लग रहा है ना कि शॉर्टकट में कैसे नंबर आ जाएगा. चलो कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ा नहीं है, सीधा सेंटेंस के दिन ही आ जाते हैं. ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है. आप जाके देखो, मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाया है इंपेरेटिव सेंटेंस. हाँ, मस्ट हैव सबमिटेड, हैज हैव हैड आ गया तो पैसे बीन लगा के बनाएंगे ना, कहाँ पे बीन दिख रहा है. ठीक है, मस्ट है तो हैव बीन, हैव बीन मैंने पढ़ा दिया. पढ़ा दिया है. लेट का कॉन्सेप्ट जाइए मनीष एक बार, एक्टिव पैसिव देखिए, वहाँ पे लेट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, बहुत डिटेल में आपने लेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है. पेड बैच शुरू हो रहा है 9th मंडे से. आई एम बींग टॉर्चर्ड बाई यू, पैसिव है ना, कैसे पता चलो पैसिव है. इज एम आर के बाद बींग के बाद थर्ड फॉर्म, पैसिव आ गया तो इसका एक्टिव बनाइए, और टेंस मत नहीं बदलना है. ओके, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. हाँ, तो ये सब है ना, बींग के साथ वी थ्री आएगा, ये भी गलत, और ये भी पैसिव ही कर दिया हमें, तो एक्टिव. Mike decided to skip work. एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो क्या? ध्यान रखना है, कुछ बच्चे बहुत पहले से स्किल टेस्ट कर रहे हैं. कर सकते हो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बच्चा पहले से प्रैक्टिस कर रहा है वो तो थोड़ा सा आपसे आगे है. माइक डिसाइडेड टू स्किप वर्क, वर्क वॉज डिसाइडेड टू बी स्किप्ड, टू स्किप है तो इसका बनाओगे ना, टू बी स्किप्ड. समवन हैज ड्रंक ऑल द वाइन इन द ग्लास. आज मेरा सीपीओ का एग्जाम था, ऐसा लग रहा था कि आप क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसे कुछ लिख रहे हैं. बच्चे याद कर रहे हैं, बहुत ऑनर की बात है. एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे याद कर रहे हैं मुझे, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है. बट देखना है कि सिर्फ याद ही कर रहे हैं या क्वेश्चन को करेक्ट भी कर रहे हैं. ऑल द वाइन, अब आप बोलोगे मैम ऑल लगा है तो प्लूरल लगा दिया जाए, बट वाइन अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल चीज़ों का प्लूरल नहीं बनता, तो सिंगुलर ही रखेंगे. और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, और इसको इन्होंने क्या कर दिया, पास्ट, इसको एक मिनट, इसको भी पास्ट कर दिया. और ऑल द, और जब भी हैज हैव हैड आ गया तो बीन लगा के बनाना है ना, बीन लगा के, यहाँ तो बीन नहीं लगाया. नेक्स्ट वाला, हु टीचेस यू इंग्लिश, कौन पढ़ाता है आपको इंग्लिश. जब भी हु आ गया तो उसका पैसिव, ये हु और हुम वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया है एक्टिव पैसिव में. हु आ गया तो बाय हुम लगेगा, तो इसमें तो बाय हुम है नहीं. और सेंटेंस प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट है, ऑप्शंस तो अच्छा है, ऑप्शंस अच्छा है. द कुरियर सर्विस हैड डिलीवर्ड द पार्सल, कुरियर सर्विस ने पार्सल को डिलीवर कर दिया है, पास्ट परफेक्ट है. और जब भी हैज हैव हैड आ गया तो बीन लगा के बनेगा ना, हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री. ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री. एक्टिव पैसिव करवा दीजिए, एक्टिव पैसिव में क्या दम है, एक्टिव पैसिव
इजी है. अ फेयरवेल पार्टी फॉर मी हैज बीन ऑर्गेनाइज बाय माई ऑफिस कलीग्स. सेंटेंस पैसिव हैज के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म. दिस सेंटेंस इज पैसिव. इसका मतलब है कि हमें एक्टिव चुनना है. परफेक्ट है, आपको भी परफेक्ट रखना है. अबाउट टू बी ऑर्गेनाइज. अबाउट टू मतलब फेयरवेल पार्टी होने ही वाला है, नहीं ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किया जा चुका है. और माई कलीग्स हैव ऑर्गेनाइज. आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज नहीं होगा. आर गोइंग टू का मतलब यही हो गया अबाउट टू, करने ही वाले हैं. नहीं वो कर चुके हैं. खत्म हो गया. 70 क्वेश्चंस था और टाइम भी हो गया ना, 1 आवर हो गया है. ओके. अचीवर बैच मंडे से शुरू हो रहा है. यूसी लाइव ऐप फिर से एक्टिव हो चुका है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से मैं यूसी लाइव ऐप पे, आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि मैम हम चाहते हैं ना कि अब आप बैठ के नहीं पढ़ाओ जैसे अनअकैडमी पे पढ़ाते थे, अब आप खड़े होके पढ़ाइए. खड़े होके पढ़ाना शुरू कर दूंगी विदाउट टी शर्ट एंड ऑल. तो अचीवर बैच मंडे से शुरू हो रहा है. ये बैच का फी 1999 है. अब इस बैच में क्या है, एक बैच में 3 बैच है, आपको तीनों बैच करना है. बट ऐसा नहीं है तीनों बैच की फीस अलग अलग नहीं है, एक ही बैच में एक ही फी में आपको तीनों बैच मिल जाएगा, ग्रामर का, वोकैब का, प्रैक्टिस का. जिसको अलग से समुद्र मंथन का बैच करना है, वैसे तो आपको बिगनर्स है उनको तीनों करना है. ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिसको सिर्फ समुद्र मंथन करना है. 3 महीने का बैच है 599 में. इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि वर्ड्स को याद कैसे किया जाता है. ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, रूट वर्ड्स रहेगा. प्रैक्टिस बैच रहेगा 3 महीने का 799 में. तो ये उन लोगों के लिए है जिसने सिर्फ प्रैक्टिस बैच का डिमांड किया था, आप प्रैक्टिस ले सकते हो. ये उनके लिए है जिसने सिर्फ वोकैब का डिमांड किया था, वैसे बिगनर के लिए ये है. ठीक है, मैक्सिमम कितने स्टूडेंट रहेंगे? अरे ऐसा ऑफलाइन थोड़ी है, कोई स्कूल वाली क्लास है. मैम एक सेक्शन में कितने बच्चों को रखोगे? मैम एक सेक्शन में सिर्फ 40 बच्चा रखना ताकि आपकी नज़र सब बच्चों पे पड़े और आप सब पे इक्वली ध्यान दो. ये ऑनलाइन है. ठीक है, ये ऑनलाइन है, कितने बच्चे रहेंगे इसमें तो आप देख लेना. और समुद्र मंथन के बुक में, ये एक बहुत अच्छा बुक है वोकैब का, समुद्र मंथन ऑफ वोकैब. कल तो फ्लिपकार्ट की तरफ से इस पर डिस्काउंट भी आया था, आज इन्होंने डिस्काउंट हटा दिया है. ठीक है, तो इस बुक की प्राइस फिर से 472. जाके स्टेनो का एग्ज़ाम दीजिए, CPO दीजिए, मेंस दीजिए, देन यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ द बुक. ओके, चलो एंड किया जाए. और कल स्टूडियो में कुछ काम करवाना है सेकेंड हाफ में. तो सुबह ऐप पे मेंस वाली क्लास तो होगी. ठीक है, लेकिन स्टेनो वाली नहीं हो पाएगी, देखती हूँ. सैटरडे मैं फ्री रहती हूँ तो मेंस का क्लास ले लूँगी सैटरडे. ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन. एंड किया जाए.